नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अभी हमारे बीच में एड मनी का नया पेमेंट गेटवे ऐड किया गया है, पेयू मनी का। साथियों, यहां पे एड मनी करने के लिए हम कुछ प्रोसेस है जिसको हम बताएंगे। ये जो एड मनी का ऑप्शन है, यहां से बैलेंस को हमें ऐड करना होता है जब हम रिचार्ज करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भराएं, डीजल पेट्रोल भराएं या किसी भी आईडी एक्टिवेट करने के लिए यहां से एड मनी करना है। इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद जो भी अमाउंट मैं ऐड मनी करना चाहता हूं, यहां पे वो अमाउंट डाल लेना है। और उसके बाद दोस्तों, यहां जो ये बटन दिखाई दे रहा है आपको ऐड कैश, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेयू मनी पेमेंट गेटवे की तरफ जाना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, UPI वाले बटन पे यहां पे क्लिक करना है। जैसे हम UPI वाले बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, यहां पे हमें UPI का यहां पे ID डालना होता है। यहाँ पे अगर हम पेफोन से ऐड मनी करना चाह रहे हैं तो पेफोन का जो भी पेफोन में नंबर लगा हुआ है वो नंबर डालना है। उसके बाद साथियों @ डालना है। उसके बाद डालना होता है YBL। डालने के बाद ये जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसका UPI ID है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर यहीं पे मुझे पेटीएम से ऐड करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे जहाँ YBL लिखा है, YBL की जगह पे मैं लिखता पेटीएम, PAYTM, और उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करता, फिर हमारा नाम आता, फिर उसके बाद हम प्रोसीड एंड पे वाले बटन पे क्लिक करते। अब अगर गूगल पे से ऐड करना है तो गूगल पे का UPI ID कई बार ईमेल के टाइप का होता है, और उसको जानने के लिए गूगल पे की प्रोफाइल में जा करके जान सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऐड मनी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड एंड पे वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे साथियों कुछ सेकंड का टाइमर चलने लगता है, जैसे ये रिटर्निंग टाइमर चलने लगा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पेमेंट अप्रूव करना है वो विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। 5 मिनट का समय मिला हुआ है, 2-4-5 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद में दोस्तों, जिससे हम पेमेंट ऐड करना चाह रहे थे उसका देखिए नोटिफिकेशन ऊपर से आया हुआ है। ऊपर स्क्रीन में आप देख पाइएगा इसका आया हुआ है। मैं एक बार और दिखाता हूँ, नॉर्मली ऐसा रहता है। फिर ऊपर से मैं जाना है और ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है, इस पे वाले बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर इस पे वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और अपना UPI पिन डालेंगे, वहाँ से भी ऐड मनी हो जाएगा। और नहीं तो मेरे दोस्त, हमारा जो पे फोन का एप्लीकेशन है उसको भी हम चाहें तो ये जो नीचे वाला बटन यहाँ पे है, बीच वाला, इसको क्लिक करना है। और उसके बाद इस फोन में ढूंढना है कि हमारा पे फोन का एप्लीकेशन कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ पे क्लिक किया। और उसके बाद इसी पे फिर क्लिक करना है। अब दोस्तों हमारा यहाँ देखिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन 100 रुपये का आया हुआ है। तो चाहे मैं ऊपर वाले, जब मैं यहाँ से किया था, चाहे मैं यहाँ वाले बटन पे क्लिक कर देता, और चाहे मेरे दोस्तों मैं यहाँ वाले बटन पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए बैंक का ऑप्शन मांग रहा है सेलेक्ट करने का, और उधर पेमेंट मांग रहा है। अब केवल यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा ध्यान से सेंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं अपना UPI पिन डाल दे रहा हूँ। जैसे साथियों अपना UPI पिन डालेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने आप देखिए मेरे दोस्त पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब ये पेमेंट क्या हुआ दोस्तों, सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हैं साथियों। उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर यहाँ पे डन वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, ये बीच वाला बटन दबा करके और अपना UTAG ऐप को ओपन करना है। जैसे वो UTAG ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं साथियों पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ डन वाले बटन पे क्लिक करना है और फिर चेक करना है कि ये पैसा आया है कि नहीं। तो उसके लिए मेरे दोस्तों ये पासबुक वाले बटन पे क्लिक करना, और ये जो इनकम वैलेट दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए जहाँ इनकम वैलेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साथियों सर्विस वैलेट पे जाना है। अब इसके अंदर हम सर्विस वैलेट पे यहाँ क्लिक कर दिए, उसके बाद शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे साथियों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2:17 पे अभी भी मैंने 100 रुपये आपके बीच में ऐड मनी करके दिखाया। अभी 10 मिनट पहले भी मैंने 100 रुपये ऐड मनी करके देखा था कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नया तरीका हमारे साथ में आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगा कि हम इस गेटवे के साथ ऐड मनी को कैसे करेंगे और अपनी सारी सर्विसेज को कैसे यूज करेंगे। दोस्तों इनकम बहुत फास्ट आ रहा है, अगर मैं आपको आज की इनकम दिखाऊं इस प्लेटफॉर्म से, इस सिस्टम से, दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है।
आज का इनकम। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आज का इनकम सुबह से लेकर के अभी तक यहाँ पे इनकम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3575 रुपये का सुबह से लेकर के अभी तक इनकम हो चुका है। अभी दोस्तों इसमें लगातार इनकम आ रहा है। मैं अगर बात करूँ तो अभी देखिए आपके बीच में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी आप देखिए आपके बीच में यहाँ 2:18 पे भी आईडी ग्रीन हुआ, 2:15, 2:15, 2:14, 2:13, 2:12, 2:06, 2:06, 2:05, 2:05, 2:03, 2:03, 2:02, लगातार आईडी ग्रीन हो रहा है मेरे दोस्तों, लगातार आईडी ग्रीन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर मिनट में आईडी ग्रीन है, आप इसको पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों। 2:01 पे भी आईडी ग्रीन है, 2:02, 2:03, 2:05, 2:05, 2:06, 2:06, हर मिनट हर सेकंड पैसा आ रहा है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म की ताकत है। तो दोस्तों आप अगर आप सोच रहे हैं इस बिजनेस को करने की, तो बहुत ही आपको अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि टेक योर पॉजिटिव डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, एड मनी की पूरी प्रोसेस समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सभी टीम मेंबर, सभी यूटेक फैमिली तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, आपके माध्यम से, जिससे कि हर एक यूटेक फैमिली मेंबर्स को एड मनी का प्रोसेस सही और शुद्ध तरीके से पता चल पाए। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक।